35 दिन 35 मौत, और उसके बाद गांव के 10,000 लोगों का यह कहना कि मौत सामान्य नहीं। एक चिता बुझी नहीं कि दूसरी की तैयारी करनी पड़ती है लोगों को। अब शमशान में इतनी भी जगह नहीं है कि नई चिता सजाई जा सके। इस भयावह स्थिति में हमने संपर्क किया एक परावैज्ञानिक से, जिसका दावा है कि वो भूतों को अपने कब्जे में ले सकता है, और पूरे यूरोप में उसने भूतों पर काबू करके नाम कमाया है। केपी भारद्वाज पिछले एक दशक से पैरानॉर्मल साइंसेज यानी पराविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने यूरोप के दर्जन भर से ज्यादा देशों के लोगों को रूहों से होने वाली समस्या से उबारने में मदद की है। बुरी बलाओं से निपटने का इनके पास कोई ना कोई रास्ता होता है। कोहन गांव के लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्या उनसे निपटने का इनके पास कोई रास्ता है? यही सोचकर केपी भारद्वाज से हमने कोहंड में चलने की गुजारिश की। भारद्वाज गांव पहुंचने के साथ ही अपने काम में लग गए। गांव को अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन सफेद कागज पर भारद्वाज ने गांव का खाका खींच दिया। इतना सही कि वहां बरसों से रहने वाले लोगों को भी शायद ही मालूम हो। हैरत तो तब शुरू हुई जब उन्होंने बताया कि पहली मौत कहां हुई होगी और अगली मौत कहां होगी। जो मौत हो रही है शमशान के अपोजिट साइड में हो रही है, उसकी उल्टी दिशा में ये मौतें हो रही हैं, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से ये मौतें हो रही हैं। बीच बीच में भी इनका कभी कभी अटैक पड़ेगा जिससे बीच में मौतें होंगी, लेकिन एक साइड का बहुत ज़्यादा बचाव है इसमें, और जो शमशान घाट की साइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है, और ये बात उन्होंने माना है इस चीज़ के लिए गांव वालों ने कि ऐसा हुआ है। यहाँ कोई डेथ मेरे हिसाब से अपनी शुरुआती खोज में हमारे परावैज्ञानिक ने ये भी पाया कि मौत गांव के पूर्वी हिस्से में ज्यादा हुई है। ये तथ्य हमारे जहन में था, गांव के इसी हिस्से में वीणा का घर भी था। वीणा की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल करनी थी। हमारी मुलाकात पहले उसके ससुर बलेंद्र सिंह रावल से हुई। बलेंद्र ने बताया कि उनकी बहू गांव पर आई आफत का शिकार हुई है। गांव वाले तो महसूस कर रहे कि भी गांव पे कोई चढ़ाई है। अचानक ये कैसे हो गया इसके बारे? अचानक ही होता है, कम से एक महीना हो गया। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कोई बीमारी हो जाता है। जब हम बलेंद्र सिंह रावल से उनकी बहू के बारे में पूछ रहे थे तो दूसरी तरफ परावैज्ञानिक केपी भारद्वाज भी लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई पीपल का जो पेड़ है आपके यहाँ काटा गया है? हाँ, यहाँ सामने पीपल का पेड़ था। कितने साल पुराना पेड़ यहाँ पे था? ये पीपल का पेड़ वो सामने। चीजें ऐसी होती है कि हमें सब कुछ जानना। परावैज्ञानिक भारद्वाज को गाँव वालों के साथ छोड़कर हम वापस वीणा के घर पहुंचे। वीणा की मौत से गांव वाले भी हैरान थे और हम भी। अच्छी भली वीणा अचानक बीमार कैसे पड़ी, यही सवाल हमने उसके पति महेंद्र सिंह के सामने रखने की सोची। सवाल दर सवाल जवाब मिलते गए और आखिर हम उस जवाब तक पहुंच गए जिसका हमें अंदेशा था। महेंद्र सिंह ने वो बात बताई जिसका वास्ता भूत से नहीं बीमारी से था।
डॉक्टर ने क्या बताया? ये डॉक्टर ने तो टीवी बताया, ये टीवी बोले उसको। तो क्या वीणा की मौत एक सामान्य मौत थी जिसकी वजह ट्यूबरक्लोसिस थी? टीबी का इलाज तो है, लेकिन अगर कोई इलाज ही न करे तो क्या किया जा सकता है? लेकिन महेंद्र के सामने अभी आफत दूसरी थी। उसका भाई अचानक बीमार हो गया था, इतना बीमार कि दो दिन से वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाया था। पहले पत्नी की असमय मौत और अब भाई बीमार। जिस तरह से बीमारी और रोड एक्सीडेंट लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं, क्या उसमें भी किसी की साजिश हो सकती है? वो भी एक ऐसी शक्ति की जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, परखा नहीं। पराविज्ञानी अपनी तरह से इन मौतों का कारण ढूंढ रहे हैं और हम भी। वजह क्या है बताएंगे एक ब्रेक के बाद।